मथुरा के राजीव भवन में स्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। फिलहाल यहां पर वृद्धा एवं विधवा पेंशनरों से आधार कार्ड को लिंक करने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। लाभार्थियों द्वारा शिकायत किए जाने पर प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जांच की बात कही है। समाज का कल्याण करने वाला समाज कल्याण विभाग अपना ही कल्याण करने में जुटा हुआ है और शायद यही वजह है कि राजीव भवन स्थित समाज कल्याण विभाग का कार्यालय का भ्रष्टाचार से लंबे समय से नाता रहा है। फिलहाल इस कार्यालय में तैनात बाबू अपनी मर्जी के निजी कर्मचारियों को बुलाकर वृद्धा और विधवा पेंशन का आधार नंबर लिंक करने के नाम पर वसूली का खेल करा रहे हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में पुष्पेंद्र नामक एक जन सेवा केंद्र संचालक करीब 15 दिन से आधार लिंक करने का कार्य कर रहा है। ये निजी कर्मचारी यहाँ आने वाले लोगों से 100-100 रुपए वसूल कर रहा है। पुष्पेंद्र से जब बात की गई तो उसने बताया कि हमने यहाँ आकर अधिकारियों से पूछा कि आधार लिंक करने का काम हम कर लें, तो उन्होंने बोल दिया और वह करने लग गए। पैसा वसूली के सवाल पर उसने कहा कि कोई देता है तो हम ले लेते हैं। पुष्पेंद्र ने 50-50 रुपए लेने की बात तो स्वीकार भी की। नहीं सर, यहाँ से हमने तो ये परमिशन लिए कि अगर जैसे केंद्र पेंशन काम चल रहा है ना, इसलिए हम इनसे पूछी कि सर अगर हम कर लें यहाँ पर पेंशन काम, वहाँ चला लोग परेशान होते हैं। अब सर नाम तो नहीं पता, मैं तो नहीं जानते हैं, किसी को पैसे में इनसे पूछ लिया तो इनको लेके आ गए, इन्होंने कहा कर लो कोई दिक्कत नहीं है, पर हिसाब से करना किसी व्यक्ति काम। सर पैसे की तो ऐसी बात है, जैसे कोई व्यक्ति एजेंसी वगैरह वाले प्राइवेट आदमी है, कोई व्यक्ति 50 रुपये दे, 50 को नहीं दे तो उनसे नहीं लेते हैं हम लोग। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, ये तो अपने दिमाग से कह रहे हैं, हमारे दिमाग कोई ऐसी बात नहीं, कोई दे जाए 50 रुपये तो ठीक है, नहीं दे जाए तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हम तो जनसेवा केंद्र वाले हैं प्राइवेट आदमी। सही बात सर, हमसे किसी ने कहा, हम तो सिर्फ प्राइवेट आदमी है, अपना ही प्राइवेट आदमी है सर, इसलिए 50 रुपये को दे जाए तो ले लेते, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। पुष्पेंद्र भले ही 50 रुपये लेने की बात कह रहा है, मगर सुबह से लेकर शाम तक राजीव भवन के चक्कर काट रही इन महिलाओं से बात की गई तो इन्होंने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि आधार लिंक कराने के नाम पर 100-100 रुपए मांगे जा रहे हैं और ना देने पर इन्हें इधर उधर भटकाया जा रहा है। पेंसिल के लिए क्या कह रहे हैं ये लोग, क्या कह रहे हैं? 100 रुपया मांग रहे हैं। काहे के लिए मांग रहे हैं 100 रुपए? पेंसिल को। अच्छा पेंसिल दवाई पहले 100 रुपए। विधवा पेंसिल के लिए क्या कह रहे हैं ये 100-100 रुपए मांग रहे हैं। किस बात के? फार्म के लिंक करने के। कितने दिन से लिंक कर रहा था? आज ही आए भैया, हम तो आज ही आए। क्या कह रहा, थोड़ी देर में नंबर आ रहा है, फार्म आराम ले लिए। कहाँ बताई, बीएलसी कॉलेज चले जाओ, कभी कह रहे कचहरी चले जाओ, फिर ले लिया ला दे दो 100-100 रुपये लगा दिए ना। अभी हाँ यही कर रहे हैं, 100-100 रुपये पेंसिल के बारे में। पेंसिल के लिए, पेंसिल बनवाने के लिए? नहीं बन रही है, मेरी पेंसिल रुक गई है। रुक गई है? हाँ। अच्छा, उसको चालू करानी है? चालू करानी है, तो जो हमें मालूम नहीं है कहाँ, राजीव भवन जाओ, बैंक से भेजा हमको। तो ये कितने पैसे मांग रहे आपसे? हमको नहीं मिला वो, नहीं हाँ। 100 रुपये नहीं, मुझे नहीं बोला, मुझे मिले ही नहीं है, मैं अभी तुरंत आई बोल रही। समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर जब प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी विजय लक्ष्मी आर्य से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि आज ही उन्हें इस विभाग का चार्ज मिला है और आज ही अवैध वसूली की शिकायत मिली है, तो इसकी वह जांच कराएंगे और दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि आधार लिंक की न्यूनतम फीस है और यदि कोई लाभार्थी वह भी नहीं दे पाता है तो भी उसका कार्य किया जाएगा। हाँ, समाज कल्याण का आज ही मुझे चार्ज हुआ है और अभी भी विधि जो भी है विधिक रूप से पूरी तरीके से चार्ज नहीं हुआ है, तो इसका सुबह ही हमें संज्ञान में आया कि इस तरीके का वहाँ पे कोई एक स्टाफ अलग से कॉमन सर्विस सेंटर का बैठ के सहयोग के रूप में काम कर रहा है। अगर उसके द्वारा कोई ज़्यादा शुल्क लिया जा रहा है या अवैध रूप से लिया जा रहा है तो उसकी जाँच कराई जाएगी और उसके खिलाफ जो भी स्टाफ अगर उसमें कोई शामिल है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी विभाग की तरफ से। नियमानुसार कितना मिनिमम या मैक्सिमम ले सकते हैं किसी लाभार्थी से उसका जो डाटा फीड करने का? समाज कल्याण डिपार्टमेंट से तो ऐसा कोई रूल नहीं है और कॉमन सर्विस सेंटर का वो उनके जो भी सेंटर की नियमावली होगी उसके अनुसार उनका जो भी न्यूनतम शुल्क होता होगा वो वहाँ के स्टाफ बता सकते हैं, क्योंकि कमिंग सर्विस सेंटर हम लोग चलाते नहीं तो हमको उसके बारे में बहुत जानकारी।
नहीं, अगर ऐसा है कि बाबू ने बैठाया और अधिकारी हटा रहे हैं तो उसकी जांच की जाएगी, उसमें देखा जाएगा कि किस आदेश के तहत उसको बैठाया गया या कोई नियमावली है कि नहीं है।